ये है एस्ट्रल स्प्रिगन। काफ़ी लोगों का मानना है कि भाई ये बस स्प्रिगन से भी काफ़ी अच्छा है। पता नहीं क्यों क्यों है इतना अच्छा, बट कहते हैं काफ़ी लोग कि ये बहुत अच्छा है बस स्प्रिगन से भी। लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता ये बस स्प्रिगन से अच्छा होगा। ये एक पूरा पावर पैक हाउस है, इसका कुछ अलग ही सीन है गाइस। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बेब्लेड है भाई, छोटा छोटा तो नहीं, हाँ इससे तो छोटा ही है एस्ट्रल से, बट मुझे लगता है ये जीतेगा फिर भी। ओके तो ये वीडियो देखेंगे हम आज रात को 8 बजे, बस स्प्रिगन वर्सेस एस्ट्रल स्प्रिगन। तो गाइस आज हम एस्ट्रल स्प्रिगन का रिव्यू करेंगे और देखेंगे भाई कैसा निकलेगा ये। मेरे पास ओरिजिनल वाला नहीं था, फेक वाले का मैंने रिव्यू किया हुआ है, बट आज पहली बार ओरिजिनल वाले का करेंगे। पहली बार या दूसरी बार पता नहीं यार, पहली बार ही कर रहा हूँ शायद, तो मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओरिजिनल एस्ट्रल स्प्रिगन का। और आज से लगभग डेली ही 1 vs 1 वीडियो आएगी, रोज रात 8 बजे गाइस। हाँ तो अब से एक टाइप से ये लगा लो कि 2 वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे 8 बजे, और ये 2 बजे वाली तो रहेगी 2 बजे। एक और चीज़ क्या कहते हैं, गेमिंग वाला जो एपिसोड है वो शायद मैं संडे को रिलीज़ करूँगा, हर संडे, तो वो भी अच्छा रहेगा ना शायद तो या फिर उसको वीक में 2 बार करो रिलीज, पता नहीं यार, बता देना वीक में 2 बार या फिर सिर्फ संडे को। अगर 2 बार करना पड़ेगा तो एक दिन 8 बजे का टाइम मेरे को उसमें देना पड़ेगा, तो उस दिन बेबलेट की वीडियो नहीं आएगी, वो वाली आएगी, तो मुझे बता देना वो भी। और गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक गेम हम रखते हैं भाई 1800 लाइक्स का, तो करवा देना यार बस स्प्रिगन के लिए 1800 लाइक, सॉरी एस्ट्रल स्प्रिगन के लिए। भाई ये तो बोलना ही मुश्किल हो रहा है एस्ट्रल स्प्रिगन, देखो मैं बोल तो लेता हूँ लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों भाई। ओके तो करते हैं भाई अभी एस्ट्रल स्प्रिगन का रिव्यू और करते हैं इसकी 10 बेबलेट से फाइट, 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में, हाँ ऐसे करना है ठीक है। ओके गाइस तो ये एस्ट्रल स्प्रिगन है, इसके काफ़ी सारे मोड्स हैं, बहुत सारे हैं भाई, लेकिन हम आज 2 ही मोड यूज़ करेंगे। पहला तो इसके चारों के चारों मोड यूज करेंगे और लेफ्ट और राइट मोड यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। तो मतलब कितने मोड हो जाएंगे भाई इसके, 8 मोड्स हम यूज़ कर लेंगे भाई आज की वीडियो में। अभी ये है लेफ्ट स्पिन में, तो अभी लेफ्ट स्पिन में ही कर देते हैं पहले से शुरुआत इसकी। और गाइस इनमें डिफरेंस देखें तो एस्ट्रल स्प्रिगन का फेस कुछ अलग है, फ्रंट से है इसका फेस, लेकिन इसमें जो एस्ट्रल स्प्रिगन है इसका फेस साइड में है, ये यहाँ पे है इसका फेस और इसका बीच में है भाई, ये सामने देख रहा है ये साइड में देख रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में। और एक चीज और है, ये थोड़ा सा लाइट वेट लाइट कलर का हो जाता है लेफ्ट स्पिन में और ये डार्क कलर का हो जाता है लेफ्ट स्पिन में, और राइट में ये डार्क का होता है, ये इसमें लेफ्ट में डार्क का होता है शायद, अगर ये देख पाओ तो ये वाला सीन ठीक है। तो अभी देखना ये है कि इनमें से छोड़ो, इनमें से तो क्या है, इसको तो हटाओ यार, आज की वीडियो 8 बजे आएगी उसमें करेंगे इनकी 10 पॉइंट की बैटल, तो अभी इसकी 10 बेब्लेट से बैटल कर लेते हैं ठीक है। तो ये हमारा एस्ट्रल स्प्रिगन अभी फाइट करेगा इन 10 बेब्लेट से, तो सबसे पहले हम वैनिश फैफनियर से कर लेते हैं, तो देख लेते हैं भाई वैनिश फैफनियर जीत पाएगा क्या इससे। 3 2 1 हो जाए शुरू एंड हो जाए शुरू। और गाइस चैनल को सपोर्ट करते रहो भाइयों, यही बोलूँगा बस। 2 लेफ्ट स्पिन हैं ये, तो स्पिन स्टीलिंग का कोई चक्कर नहीं है, बस देखना ये है कि किसका स्टैमिना ज़्यादा अच्छा निकलेगा, स्टेमिना कह लो कुछ भी कह लो। मेरे ख्याल से वैनिश फैफनियर हारने वाला है, एस्ट्रल जीतेगा भाई, लेफ्ट वर्सेस लेफ्ट में एस्ट्रल जीत गया गाइस। एक और बैटल कर लेते हैं इसी बात पे, देख लेते हैं दोबारा से, कम ऑन पेटे। वैनिश अपने बीच में है गाइस और एस्ट्रल को आने ही नहीं दे रहा भाई, और ग्रीन स्टेडियम आज भी लिया हुआ है मैंने, पता नहीं क्यों, बट ग्रीन स्टेडियम अच्छा है गाइस, कुछ भी कहो, बस इसमें एक ही दिक्कत है, ये वाला भी प्लेन कर देते ना बहुत ही बढ़िया हो जाता है, तो फिर फ्लावर एंगल बहुत अच्छा हो जाता फिर इसमें, अभी भी हो जाता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। ओके वैनिश हारता है गाइस, पहले सारे लेफ्ट स्पिन से निपटा देते हैं इसको, गिल्टी लॉन्गिनस से कर लेते हैं अभी, इसको कर देते हैं डिफेंस मोड में गाइस, रुको निकालना पड़ेगा यार इसको पहले, हाँ ये जाओ भाई आओ चिच्चा। अब देखते हैं भाई क्या करेगा एस्ट्रल स्प्रिगन गिल्टी लुइनोर के सामने, गिल्टी लुइनोर काफ़ी ख़तरनाक विकेट है,
लेकिन ये भी काफ़ी खतरनाक है गाइस। एस्ट्रल वर्सेस बस, कम ऑन गिल्टी ब्रो, तोते से उड़ा दे। बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है गाइस गिल्टी इसको, लेकिन गिल्टी फिर भी शायद हार सकता है गाइस, शायद शायद शायद। यप, और मैं सबसे डबल फाइट नहीं करूंगा भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो गिल्टी भी गया। तो ठीक है भाई, मैं डीबी लॉन्चर ले आया हूँ, सॉरी डीबी स्टेडियम ले आया हूँ, और अब करते हैं गिल्टी लुइनोर से इसकी फाइट। इस बार मोड चेंज करें, चलो कर ही देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। इस बार इसको कर देते हैं बैलेंस मोड में। अबे निकल निकल जा यार, इनका बस एक यही प्रॉब्लम है भाई मेरे को इससे, ये जो ड्राइवर है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इसको यूज़ करना, मतलब इसको कंट्रोल करना, चाहे फेक हो चाहे ओरिजिनल हो भाई, दोनों का सेम ही हाल है। ओके 3, 2, 1 हो जाए शुरू। रेज वर्सेस एस्ट्रल स्प्रिगन, क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा? काफ़ी टाइम बाद मैं डीबी स्टेडियम यूज़ कर रहा हूँ मैं, देखते हैं भाई क्या रहता है इनका। मेरे ख्याल से रेज के तोते उड़ गए भाई, तो बुरा नहीं है भाई, एक से भी नहीं हारा भाई, लेफ्ट स्पिन में किसी से नहीं हारा। ठीक है, तो अब कर लेते हैं अल्टीमेट वेलक्री से इसकी फाइट, एंड देख लेते हैं भाई अल्टीमेट वेलक्री लेगेसी एडिशन से क्या झंडे गाड़ता है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। शिट, देखते हैं भाई, मुझे लगता है वेलक्री जीत सकता है भाई, पूरा चांस है वेलक्री के जीतने का, लेकिन फिर भी कोई नहीं, एस्ट्रल स्प्रिगन के साथ हैं हम। वैसे मेरा वेलक्री फेवरेट है, फिर भी हम एस्ट्रल को साथ दे देते हैं गाइस। एंड विनर इज, ड्रॉ हो गया गाइस, दोबारा करेंगे भाई, ड्रॉ नहीं होना चाहिए गाइस बिल्कुल भी। अरे यार ठीक है, लेफ्ट वर्सेस राइट, 3, 2, 1 हो जाए, रुक जाओ, 3, 2, 1 हो जाए शुरू। आहा, बड़ा दिक्कत है यार लेफ्ट वर्सेस राइट, ड्यूअल लॉन्च करना डीबी बेबलेट्स को बहुत ही मुश्किल है भाई, ऊपर से वो लेफ्ट और राइट हो तब तो भाई झंडे ही कट जाते हैं। ओके 3, 2, 1 हो जाए शुरू, फुल स्पीड वेलक्री बेटे, तो दौड़ा दे, कम ऑन वेलक्री ब्रो, नीचे ही मत आने दे भाई इसको, तो अपना ओहो भाई साहब, एक टक्कर चाहिए थी, वेलक्री बेटर है गाइस, वेलक्री बेटर है। ठीक है, एक बेबलेट जीता है फाइनली काफ़ी टाइम बाद। ठीक है, एक और लेफ्ट वसी से लेफ्ट कर लेते हैं फिर इसी बात पे। इसको चेंज करेगा फिर से, लो भाई एक बार और चेंज कर देता हूँ, फिर इसको राइट स्पिन कर दूंगा मैं, अटैक टाइप कर देता हूँ भाई अब इसको। ठीक है, एंड आओ भाई, वाई क्या क्या नाम था इसका, हीलियोस MR ऐसा कुछ नाम है ना, मेटल रबड़। अब बहुत तेज काटते हैं भाई ये डीबी बेब्लेड्स, बहुत ही तेज। ओके 3, 2, 1 हो जाए शुरू, एंड हो जाए शुरू, ओहो बाहर ही चला गया। ठीक है भाई, दिमाग ख़राब हो गया अब तो बहुत ही। एस्ट्रल स्प्रिगन अटैक टाइप नोट ए गुड बेब्लेड, डीबी स्टेडियम में अटैक टाइप्स के लिए बहुत ही बेकार है भाई, बहुत ही बेकार है अटैक टाइप्स के लिए डीबी स्टेडियम, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है, बहुत ही बुरा डिसीजन था भाई ये इनका, इतना डाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात है एस्ट्रल फिर भी जीत गया यार, ये इसका टिप स्टेमिना टिप है, फिर भी जीत गया भाई, हद हो गई यार। ओके राइट स्पिन करते हैं गाइस इसको, बहुत हो गया राइट स्पिन एस्ट्रल स्प्रिगन। इसके बहुत सारे मोड्स हैं यार, ये हो गया राइट स्पिन, और हाँ एक चीज़ और इसको कर देते हैं स्टेमिना टाइप में इस बार के लिए, इसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये राइट स्पिन है, इसमें भी 4 मोड्स हैं, इसके लेफ्ट में भी 4 मोड हैं, फिर हाई मोड करोगे उसमें भी 4 हैं, फिर हाई मोड लेफ्ट स्पिन करोगे उसमें भी 4 मोड हैं, पता नहीं यार भाई, कन्फ्यूजिंग बेब्लेड है पूरा ही, पूरा सिस्टम हिल जाता है। ओके इससे भी कन्फ्यूजिंग फिर वो आ जाता है भाई हमारा अखिलेश भैया, वो और भी ज़्यादा वो भाई। ओके 3, 2, 1 हो जाए शुरू, कम ऑन ब्रो, एस्ट्रल ब्रो बीच में है भाई, इस बार तो सेंटर ले लिया, स्टेमिना टाइप है ना सेंटर तो ले ही लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
कमोन ब्रो, कमोन, यू कैन डू इट। नाइस, जीतता है एस्ट्रल फिर से गाइस। अभी तक सिर्फ वेलग्री से आ रहा है, वेलग्री ने इसको फेंक के मारा है, और किसी की बस की बात नहीं थी। अभी इसको स्टेमिना में ही कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अग्रेसिव बेब्लेड है। टेम्पस्ट ड्रैगन बेटे, टेम्पस्ट ड्रैगन का एक विंग खुला हुआ है गाइस और एक बंद है, इसलिए वो अनबैलेंस्ड है। फिलहाल तो एस्ट्रल फ्रीगन भी अनबैलेंस हो गया, लेकिन जीतता है फिर भी एस्ट्रल फ्रीगन ही। ओके, अब कर देते हैं इसको अग्रेसिव अटैक टाइप। हाँ चिच्चा, अब आ जाओ भाई। चलो भाई, विंड नाइट, 3-2-1 हो जाए शुरू। एस्ट्रल स्प्रेगन, कम ऑन ब्रो। ओ बच गया भाई, नहीं तो सीधा मुंह पे मारता विंड के, यहाँ पे लगती भाई लेकिन बच गया भाई, विंड टाइम से पहले नीचे भाग गया। अरे यार, अब तो विंड वैसे ही हार जाएगा, एस्ट्रल को आने की भी जरूरत नहीं है। आ ही गया भाई एस्ट्रल। ओके, तो एस्ट्रल शायद ड्रॉ कर दिया भाई, दोबारा करेंगे शायद, तो ड्रॉ किया या फिर एस्ट्रल जीता है। ओके अबे रुको गाइस, रुको, ये तो भाई लॉन्च ही नहीं होता अच्छे से अटैक टाइप में। बैलेंस कर देते हैं भाई, अटैक टाइप नहीं काम का। ओके, बैलेंस टाइप ही ठीक है भाई के लिए, इसके लिए, स्प्रिगन के लिए, है ना। 3-2-1 हो जाए, बैलेंस बेटर देन अटैक टाइप गाइस। कम ऑन, बहुत तेज मारना है, बहुत तेज मारना है। अबे यार तेज तो नहीं मारा गाइस, लेकिन मारा जरूर है। एंड बहुत जल्दी तोते उड़ा दिए हैं विंड नाइट के, इस बार तो इस बार नहीं जीतने का कोई चांस है विंड नाइट का। ये भी गया गाइस। ओके, अब बारी है इनके चिचा की, प्रोमिनेंस फिनिक्स की। ये इसको हरा देगा, मैं पूरा शोर हूँ भाई, पूरा शोर तो दबूंगा मैं जब ये भाई खुद ही टिकेगा स्टेडियम के अंदर चिचा। ओके, एक और ट्राई करते हैं, इसको स्टेडियम में टिकाना ही मुश्किल है। यो कम ऑन, क्या कर रहे हैं भाई ये दोनों के दोनों ही। प्रोमिनेंस बाहर जाना चाहता है भाई, बीच में आना ही नहीं चाहता वो, कमाल की बात है। प्रोमिनेंस हार कैसे गया, बेस्ट ड्राइवर होने के बाद भी हार गया भाई प्रोमिनेंस। हारा नहीं है गाइस अभी, लेकिन हार गया है। नाइस, प्रोमिनेंस के भी तोते से उड़ चुके हैं। अब फिर से चेंज कर देते हैं इसको, अब कर देते हैं इसको डिफेंस टाइप में। ओके, और ये है हमारा अखिलेश, चेस्ट अखिलेश। आओ भाई, अब दोनों का सेम ड्राइवर है, दोनों ही लेफ्ट वर्सेस राइट है भाई, दोनों ही मतलब सेम है, बिल्कुल ही सेम है भाई काम इनका दोनों का ही। एक स्टेमिना टाइप है और एक डिफेंस टाइप है, अभी देखना होगा जीतेगा कौन भाई। एंड वेलक्री के अलावा कोई नहीं जीता। हाँ भाई, वेलक्री के अलावा कोई नहीं जीता। ओके, तो ये था भाई एस्ट्रल स्प्रिगन, है स्ट्रॉन्ग, ये 90% विनिंग रेशो के साथ जीतता है, सिर्फ हारा है लेगेसी से ये, और किसी से नहीं हारा। तो ठीक है, शाम को करेंगे फाइट इन दोनों की और देखेंगे इन दोनों में कौन है सबसे बढ़िया। तो 8 बजे मिलना भाइयों सब के सब, क्योंकि अब से हम और ज़्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे। ठीक है।